देखो गाइस, क्या देखो गाइस? आर से यमी यमी से जूसी जूसी से लस्सी भी पी थी मिलाई वाली। ये बताना जरूर। हेलो भावाची फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम हो चुका है। तो हम लोगों ने, हस्बैंड जी ने सोचा था कि मैं और बच्चे छोटे, हम लोग आज बाहर से नाश्ता करेंगे, क्योंकि सीवी के साइड पे एक बहुत अच्छी हलवा पूरी की शॉप है, हस्बैंड जी ने बताया था, तो आज हम वही करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी जिस जिससे नाश्ता करना है कभी बाहर भी जाकर करना चाहिए। अदरवाइज तो आपको पता है मैं खुद इतनी अच्छी शेफ हूँ, इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ, इतनी अच्छी हलवा पूरी बना लेती हूँ। तो आज हमने सोचा कि बाहर जाके पियेंगे। मुझे तो नहीं इतनी जल्दी सुबह भूख लगती, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी और पियूँगी एक मज़ेदार सी लस्सी। तो आपने हमारे साथ ही बने रहना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और जो मेरे साथ पहले से अटैच हैं यूट्यूब चैनल पर उनको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और जो अभी तक मेरी वाइट फैमिली में शामिल नहीं हुए हैं, आप लोग भी जल्दी से और मेरी फैमिली मेंबर बन जाएं और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, और इंशाल्लाह हम लोग भी आपकी वीडियो को वॉच करेंगे। तो चलते हैं, अभी तैयारी करते हैं और भी निकलते हैं हलवा पूरी के लिए। तो हलवा पूरी हमने ऑर्डर करवा दी थी गाड़ी पार्किंग पे करके, तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन आ चुकी है और बहुत मज़ेदार थी, लेकिन मुझे मज़ेदार नहीं लगी। मुझे तो अपने हाथ की हलवा पूरी अच्छी लगती है, लेकिन हस्बैंड जी ने काफ़ी इसरार किया था कि नहीं नहीं बाहर चलेंगे और खाएंगे। तो दोनों छोटे बच्चों को साथ लिया और फिर हम लोग आ गए, और ये हलवा भी इतना मज़ेदार नहीं था जितना कि मैं मज़ेदार बनाती हूँ। खैर चले, ये शौक़ था और मैंने मंगवाई थी लस्सी, दिल चाह रहा था कि लस्सी सुबह सुबह पिए। तो ये मेरी लस्सी थी, हस्बैंड जी ने कहा था चाय, आज मैंने चाय मना करते हुए लस्सी का ऑर्डर करवा दिया और लस्सी पी, बहुत मज़ेदार और यमी। और ये सिब्बल भी मेरी बेटी है, और मेरी बेटी आप सबको पता है, लेकिन वो साइड पे बैठी थी ना, मैं उनको बता नहीं सकी आपको कि सिब्बल भी आई है। तो अब जब ये वीडियो देखेगी जनेडा और शालमियर, तो फिर उन्होंने तो हमारी जो क्लास लेनी है सही वाली, तो फिर कोई बात नहीं, फिर किसी दिन टाइम देकर उनको भी हम अपने साथ ले आएंगे। तो ये है मेरे हस्बैंड, जब काफ़ी टाइम के बाद आज वीडियो में आए हैं, तो खुदावन इन्हें बरकत दे, कामयाबी अता फरमाए। और मेरे बेटे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, पीछे भी फैमिली थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो बनाते हुए, क्योंकि बिना किसी की इजाज़त के हम किसी को वीडियो में नहीं ला सकते। तो इसलिए फिर ये चने मैंने थोड़े से टेस्ट किए थे, मज़े के थे, बच्चे कहते हैं मम्मा इनका टेस्ट है जैसे नूडल्स होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम निकलने लगे थे घर के लिए, तो तैयारी हो चुकी थी जैसे कि आपको पता है, ग्लासेस, मास्क और चादर, तो मेरा यही आने जाने का मेरा वो है, तो फिर ये मैंने पहन लिया था। यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना ली चाहे, तो ये देख सकते हैं। और मुहर्रम भी है, तो आज नामा मुहर्रम था, काफ़ी रश भी ज़्यादा नहीं थी, तो वो हलवा पूरी तैयार की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा सफ़र घर की तरफ दोबारा जाने के लिए तैयार हो गया था, और यहाँ पर हम घर की तरफ रवाना हो गए। बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल सन्नाटा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो अपनी फैमिली के साथ आप लोग भी इस तरीके से बाहर आया करें और बाहर एंजॉय किया करें, नाश्ता वगैरह किया करें। तो फिर मिलेंगे आप सभी घर जाने के बाद। सो गाइस, ये नाश्ता कर कर आ गए, अभी तो नहीं मतलब थोड़ी देर के आए हुए थे, व्लॉग जस्ट हम अभी बना रहे हैं, और अभी टाइम जो है 5:30 हो गए हैं, शाम हो गई है। ऊपर मम्मा में क्रॉनिस बना रही हैं, वो भी डन होते हैं तो फिर वो भी आपको दिखाते हैं। और क्या कहते हैं सिकल, क्या कर रही हो? गैस मैं नींबू खा रही हूँ, देखो देख रहे हैं। और अभी जो सिबल स्टडी करेगी, फिर सिबल कर देखेंगे ज़रा, देखो देखो लगी भी है ना, फिर सिबल को पता चलेगा। और क्या कहते हैं अभी ऊपर चलेंगे, पहले तो इसको स्टडी करवाते हैं थोड़ी सी, फिर हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर देखेंगे कि मैक्रोनिस पक गए हैं नहीं पके, क्या क्या हो रहा है ऊपर। तो सिबल कैसा लग रहा था नाश्ता वगैरह, कैसी मतलब वाइब आ रही थी बताएं? बहुत अच्छी आ रही थी। और गाइस हमें मज़ा भी आया था क्योंकि हम लोगों ने सुबह सुबह खाई थी ना, मज़ा आया। और गाइस हमने लस्सी भी पी थी मिलाई वाली, ये बताना ज़रूरी था। देखो गाइस,
क्या देखो गाइस, हमने थोड़े से खा भी लिए। क्या देखो गाइस, गाय से छोटा सा बॉल है शिबल की तरह। और जी गाइस ये देखें, लेफ्टी जो है राइटिंग कर रही है। इसकी समर वेकेशन वर्क है जो ये कर रही है, यहाँ से शुरू करो। और ये राइटिंग कर रही है, वैसे तो करती नहीं, मॉर्निंग में इसने एक पेज किया था और एक पेज अभी करने लगी है। कंप्लीट करोगी तो उठोगी, समझ आ रही है। बस मैंने एक आपको एक बात बतानी थी, देखो ये मेरे दोस्त ने मुझे दिया था, मैंने कलरिंग की थी, जरा जूम करके दिखाओ। बहुत अच्छी की थी। और देखो गाइस मैं कलरिंग कैसे की थी सब बताना, जूम करके वापस दिखाओ। मैं तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, कटिंग भी मैंने ही की थी। और यहाँ पर आज मैंने बनाए हैं मज़ेदार से, यमी यमी से, जूसी जूसी से मैक्रोनीज। तो आप भी आ जाएं, और जिस जिसने खाना खाना है वो आ जाएं, लेकिन वही बात कि जब तक आप पहुँचेंगे खाना फिनिश हो जाएगा। और आप बताएं कैसी लोकेशन लग रही है इसकी, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स बच्चों को नहीं पसंद है, इससे मैं वेजिटेबल डाल दी, जस्ट चिकन और मैक्रोनीज बनाते हैं जूसी जूसी से, मज़ेदार से। तो आप लोग भी आएँ और खाएं और इन्जॉय करें विद चिली केचप के साथ, जो कि मुझे अच्छा लगता है। टमाटो केचप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, चिली गार्लिक केचप आई लव, और बहुत यमी और टेस्ट और ज़्यादा इसका भर जाता है। तो ठीक है, फिर अभी ये खाना हम सर्व करते हैं, आप भी आ जाएँ और खा लें और इन्जॉय करें। तो यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका था, खाना बना लिया है, और फिर चली गई थी लाइट। लाइट जाती है तो फिर बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि हम जा रहे थे उधर ही कुकिंग भी है, उधर ही किचन भी है, फिर उधर ही हमारा रूम है, फिर उधर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हमारी कोशिश होती है कि जैसे शाम हम फौरन छत पर चले जाए, तो हम लोग छत पर आ गए थे और बैठे थे, और छत पर भी कोई हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल हर्ब्स है, बादल तो है लेकिन बारिश नहीं है, हर्ब्स बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो जल्दी से कर दें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और वीडियो को करें फुल एंजॉय, और अपने दोस्तों का शेयर करें, और जिस जिस समय को भी खा लें, और जिस जिसने हलवा पूरी खाने वो आ जाएँ और इन्जॉय करें, और हमारी वाइटी फैमिली में शामिल हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराएं। तो फिर कल मिलेंगे आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, हमारे साथ ही बने रहें। तो हमेशा खुश रहें, जैसे कि हम पूरी फैमिली खुश रहते हैं, गर्मी हो या सर्दी हमेशा खुश रहना चाहिए। तो ठीक है, फिर कल मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ, बाय बाय, टाटा।